करप्शन को लेकर के सीएम योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। योगी पहले भी दो टूक कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचारियों को इसका कड़ा सबक भी मिला है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लाउड स्पीकर पर एक्शन, एसएचओ पर चला हंटर, करप्शन पर कार्रवाई, एसओ दारोगा नपी। भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ का रवैया काफी सख्त है। इसको लेकर सीएम योगी समय समय पर चेतावनी जारी करते रहते हैं। इसी का ताजा उदाहरण मेरठ में देखने को मिला। योगी सरकार ने करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मेरठ में रेप केस में धारा हटाने के लिए फौजी से रिश्वत लेने के आरोप में महिला थाने की एसओ मोनिका जिंदल और दारोगा रितु काजला को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि मोनिका और रितु ने 1,00,000 रुपए में सौदा किया और रिश्वत के 34,000 रुपए वसूल भी लिए। एसपी देहात ने साक्ष्य और वीडियो सही पाए जाने के आधार पर रिपोर्ट दी। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। दूसरी तरफ योगी सरकार लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में है। यूपी में अब तक 1,00,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई।